स्टूडेंट्स इन लास्ट लेक्चर वी एनाइज द डिस्टिंग रियल रूट केस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन इन दिस लेक् वी शेल डू देश रिपीटेड रियल रूट वी आर रीकॉलिंग दिस थिंग जो कि हमने उसमें भी रिकॉल किया था कि कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं आर वन और आर टू और उनका क्या फॉर्मूला है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी दीज यू कैन ऑल्सो रिकॉल दिस थिंग बिकॉज उस लेक्चर uh, में भी हमने डिस्क्रिमिनेंट को लिखा था और उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया था उसकी वैल्यू को जीरो से कंपेयर किया था यहाँ पर हाउवर ऐसा है कि यहाँ पर केस वन के बजाय या केस थ्री के बजाय केस टू की पॉसिबिलिटी है बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इस केस में हम जीरो एज्यूम करें और अगर जीरो एज्यूम करेंगे इसका मतलब यह है कि दोनों टर्म्स जो डिसक्रमिनेट में है दे आर एकवल एंड देट इज़ वाई दंसर इज जीरो और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ये होगा दैट विल बी डीलिंग विद रिपीटेड रियल रूट्स अब इसे रिपीटेड रियल रूट्स क्यों कहते हैं ये तो हमें पता चल गया कि रियल है बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वेयर रूट शामिल नहीं है जो कि कंप्लेक्स रूट्स में होगा लेकिन रिपीटेड का जो जवाब है वो हमें आगे चल के मिलेगा रिपीटेड रियल रूट केस में जहरी बात है ये बात तो हम कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है जब ये जीरो होगा तो डिस्क्रिमिनेंट की जो टर्म है इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं और हमने लिख दिया जब हमने जीरो लिख दिया तो हमारे पास आंसर आया ये और इस केस में आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस जीरो हुआ है इसलिए चूंकि ज़ीरो को जमा करने से या नफी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ का आंसर सेम ही आया है दैट इज़ माइनस ए वन ओवर टू इसका मतलब ये है कि आर वन जो है वो आर टू के बराबर है और अगर वह दोनों बराबर हैं तो हम उनके लिए एक सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं हम उनके लिए आर वन और आर टू के बजाय आर भी यूज़ कर सकते हैं द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट है टर्म्स सो रिपीट का वर्ड आपको अंदाज़ा हो गया होगा हमने क्यों यूज़ किया बिकॉज एक ही रूट दो दफ़ा आ रहा है इसे एट uh, टाइम्स हम डबल रियल रूट्स भी कहते हैं बिकॉज वो दो दफ़ा आकर हो रहा है या इक्वल रियल रूट्स भी कहते हैं बिकॉज वो बराबर है दोनों रूट्स आपस में बराबर हैं तो ये दो नाम भी हैं लेकिन यहाँ पर हम रिपीटेड रियल रूट का वर्ड यूज करें तो ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था उसमें हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे बिकॉज वर टू रूट्स यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि दो कंपोनेंट्स बनाएंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है बिकॉज इसके अंदर चूंकि रूट एक ही है इसीलिए देर इज एल्स दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस और वो है ये वैल्यू टी ये वैल्यू टी कैन गो अनोटिस्ड लेकिन हमें इसको याद रखना है ये दूसरी टर्म के अंदर एक टी मल्टीप्लाई हो रहा हो सो कैम रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डू द दुमेरिकल एग्जाम्पल वाई डबल बार टी एंड दिस दिस इज द होल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन जिसे हम हल करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद इट्स गिवन इनिशियल कंडीशन जो कि दो हैं एक वाई नॉट की फॉर्म में और एक वाई बार नॉट की फॉर्म में ये वही स्टेप है जो हम रिपीटेडली कर चुके हैं जिसमें हम ए वन और ए टू और बी की वैल्यूज को निकालते हैं यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी के क्या वैल्यूज निकली हैं ए वन की ए टू की और बी की जब हमने ये वैल्यूज निकाल ली वी आर इन अ पोजिशन कि हम नेचर ऑफ रूट्स जज कर सकें और उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखते हैं इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो इक्वल और लेस देन डेफिनेटली इस केस में हम चाहते हैं केट शुड बी इक्वल टू जीरो ताकि रिपीटेड रियल रूट केस डेवलप हो तो आपने देखा हमने ए वन की और ए टू की वैल्यूज लगाएं यहाँ पर और आंसर में ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो का आंसर आया विच मीन्स के रिपीटेड रियल रूट्स हैं और नाउ वी कैन यूज़ दैट फार्मूला ऑफ वाई सी जो हमने अभी देखा था तो यहाँ पर वो फार्मूला लगाने से पहले डेफिनेटली हमें आर वन और आर टू की न्यूमरिकल वैल्यूज़ चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने स्कूल के ज़माने में किया हुआ है जो इसमें स्लाइटली uh, नई बात है वो ये है कि रूट्स का uh, जो अपेयर होना है एंड दे आर अपेयरिंग इन अ वे कि वो दोनों इक्वल हैं आर वन इज़ इक्वल टू आर टू दोनों की वैल्यू माइनस थ्री इसलिए हम आर भी कह सकते हैं अगर हम एक नोटेशन यूज़ करना चाहें जब हमने ये सब्सटी की इन द फॉर्मूला जो कि फार्मूला ये लिखा हुआ है तो ये फार्मूला इस तरीके की फॉर्म में आ, बन गया और इसे हम आगे लेके चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ जनरल सोल्यूशन वी कैन सिंपली ऐड द पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने ऐड किया और ये हमारे पास आ गया अ जनरल सोल्यूशन लेकिन आपको पता है डेफिनेट सोल्यूशन इज मच मोर सुपीरियर एज कम्पेयर टू जनरल सोल्यूशन उसके लिए हम t इज इक्वल टू जीरो इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको पता है कि इनिशियल कंडीशन है और वेर एवर वी हैव टी वी विल पुट ज़ीरो तो आपने देखा कि हमने टी की जगह जीरो लगाया जहां जहां पर ये सब्सटीट्यूट हो सकता तो इसे सॉल्व करेंगे अल्जेब्रिक स्टेप्स हैं जो आपके लिए मैं रिहर्सल के लिए रख रहा हूँ और ए थ्री जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी टू ये हमने नोट कर ली क्योंकि ऑलरेडी हमें एक अननोन की वैल्यू मिल गई है और अब हम ए फोर की वैल्यू को फिगर आउट करने जा रहे हैं और चूंकि ए फोर को फिगर आउट करना है और हमारे पास वाई बार नॉट की वैल्यू गिवन है तो हमें वाई बार टी चाहिए जिसमें हम टी की जगह जीरो लगाएं ताकि वो वाई बार नॉट बन जाए इज गिवन सो दैट वी टेक द डेरिवेटिव डेफिनेटली हमारे पास वाई बार टी नहीं है तो वाई टी का डेरिवेटिव लेकर हम वाई बार टी डेवलप कर सकते हैं ये है वाई टी जिसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आपकी डिफ्रेंसीेशन की महारत का एक छोटा सा इम्तहान है जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और कर चुके हैं इन द बेसिक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स ये है वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैं आपको इसके लिए हिंट दे देता हूँ बाकी दिस इज़ नॉट एनीथिंग न्यू ये जो डेरिवेटिव है ये आसान है आपने देखा हमने यहाँ पे कर लिया लेकिन इस डेरिवेटिव में एक कैच है और वो कैच ये है कि एक टी है और एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स में टी है इसका मतलब है दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक टी है और एक ई की पावर माइनस ट्री टी है सो so आपको पता है कि हम इसे प्रोडक्ट थेरम के ज़रिए हल करेंगे और यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट थेरम ही अप्लाई किया गया है जो आप ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में कर चुके हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी के ये किस तरीके से हल किया गया है और यहाँ पर एक जो नई बात सीखने वाली है वो है कि ए थ्री की वैल्यू हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर ली थी अगर हम वो यहाँ पे लगा देंगे तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा और अन की तादाद में कमी हो जाएगी तो हमने ये किया कि हमने ए थ्री की जगह उसकी वैल्यू जो टू हमने निकाली थी वो सब्सटीट्यूट कर दी वेर एज यहाँ पर जो सोलूशन है वो जारी है अंडर द लाइट ऑफ सिंपल अलजबरा एंड प्राइमरली अंडर द लाइट ऑफ डिफ्रेंसीशन ऑफ अ प्रोडक्ट इनिशियल कंडीशन की बात करें तो डेफिनेटली टी की जगह जीरो लगाना है क्योंकि अब हमारे पास वाई बार टी की एक फॉर्म डेवलप हो चुकी है और इसके लिए हमने ये किया कि हमने टी की जगह ज़ीरो लगाया यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सर्कल किया हुआ है उन एरियाज़ को और अगेन दिस इज़ समथिंग जो आप काफ़ी अरसे से करते रहे हैं तो दैट इज़ वाई ये मैं आपके लिए एक छोटी सी रिहर्सल रख रहा हूँ टी की जगह आप लगा देंगे ज़ीरो जिसकी वजह से हमारे पास आंसर uh, डेवलप होना शुरू हो जाएगा ए फोर का ए फोर इज़ इक्वल टू वन और ए फोर इज इक्वल टू वन मीन्स कि हमारे पास ए थ्री की वैल्यू भी आ गई और ए फोर तो अभी अभी हमने निकाली विच मीन्स के हम ए वन ए थ्री और ए फोर की वैल्यूज लगा कर डेफिनेट सोल्यूशन को नोट कर सकते तो ये है हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्योंकि ये थी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर और ये है उसका डेफिनेट सोल्यूशन जहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट्स जो हैं दे आर द सेम और इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द केस where we are dealing with repeated real roots. Thank you.